Hey guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. So, अभी बज रहे हैं approximately 5 o'clock Dubai time. So, India में अभी बज रहे हैं 6:30 and बैठ के अभी मैं कुछ trade setups बना रहा हूँ क्योंकि इस time पे market में अब अच्छा cryptocurrencies में movement आना शुरू हो गया. साथ साथ चल रहा है Netflix क्योंकि असलियत में trading जो है थोड़ी सी एक boring job है and आप बैठते हो, अपना setup बनाते हो, आप wait करते हो. सो उसके साथ साथ यू नीड समथिंग जो आपको ओवर ट्रेड करने से रोके. अगर आप बोर होते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्ती कोई ना कोई ट्रेड लेने की कोशिश करोगे. सो आई ट्राई कि मैं साथ में कोई मूवी देखूँ, गाने सुनूँ. सो अभी लास्ट 2 हफ्ते से मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं थी क्रिप्टो में. सो आई वॉज ट्रेडिंग गोल्ड ओनली. मैं 2 हफ्ते से गोल्ड ही ट्रेड कर रहा था एंड जो मेरे ट्रेड स्विंग ट्रेड चल रहे थे ये $10,000 वाले अकाउंट के जो ट्रेड्स हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए हैं. ये अकाउंट ऑलमोस्ट मतलब इट टच्ड $40,000. अभी ये ट्रेड कर रहा है एट 38 अप्रॉक्सीमेटली. सो आज सुबह ही मैंने वो वीडियो बनाई, उसमें $40,000 अप्रॉक्सीमेटली थे. सो इससे लर्निंग देना चाहता हूँ इस अकाउंट से. दैट लर्निंग इज दैट मैंने 10 से 40 करे, वापस 14 पर आया. आपको मार्केट में कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, आप कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ, आप लॉस करोगे. लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देख के, हमें देखकर कि यार ये जर्नी बहुत स्मूथ है, आप बहुत पैसा कमा रहे हो. ऐसा नहीं है. अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर भी बनते हो आप स्टिल यू विल मेक लॉसेस. यू विल फील डाउन कि आप यार डिमोटिवेटेड फील करोगे कि यार क्या हो गया, लॉस हो गया. ये सारी फीलिंग्स आपको तब भी आएंगे जब आप प्रोफेशनली ट्रेड करना शुरू कर दोगे. लाइफ में मेंटल प्रेशर्स तब भी रहेंगे. सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम ये फील करते हैं कि अगर मैं पूरा दिन बैठा हूँ, मेरे को कोई ट्रेड सेटअप नहीं मिला, तो मैं ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है. ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं खाली बैठा हूँ, मैं फ्री बैठा हूँ. जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ, कोई अपनी जॉब से आ रहा है, कोई बिजनेस पे जा रहा है, जब मैं ऑनलाइन लोगों को देखता हूँ, तो मैं फील करता है मैंने पूरा दिन बैठ के कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा, मैं सारा दिन खाली बैठा हूँ. ये फीलिंग जो है ये सबसे बेकार फीलिंग है. हो सकता है अगर आप एक ट्रेडर हो, आपको पूरे महीने ट्रेड ना मिले और आपको एक दिन ट्रेड मिले और आप उस एक ट्रेड से उतना पैसा कमा लो जो एक बंदा पूरे महीने में नहीं कमा सकता. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम वो 29 डेज कभी भी वेट ही नहीं करना चाहते. हम वो 29 डेज जब वेट करते हैं, जो स्ट्रगल है वो कई लोग हैंडल नहीं कर पाते. वो ओवर ट्रेडिंग कर करके जो प्रॉफिट वो कर सकते हैं वो नहीं कमाते. ये अकाउंट लास्ट मंथ एग्जैक्ट सेम डेट पर, एक महीने पहले, 30 दिन पहले अकाउंट $14,000 पे था और आज ये अकाउंट $40,000 पे. अगर मैंने रोज ट्रेड करा होता डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि मार्केट में मेरे सेटअप्स अभी नहीं चल रहे हैं, मैं अगर ज़बरदस्ती ट्रेड करूँगा मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा. कमा भी लेता तो मैं $2,000-3,000 कमा लेता. बट जो मेरे सेटअप से आई टुक ट्रेड इन इथेरियम क्योंकि मुझे पता था वो एब्सोल्यूट बॉटम पे ट्रेड कर रहा है. ये मेरा सेटअप है, ये मेरा डिसिप्लिन है कि वो एब्सोल्यूट बॉटम पे ट्रेड कर रहा है. एंड ट्रेड जो मैंने लिया है वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर लिया. अब अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ तो उसको मैं 10 दिन तो नहीं चला सकता, वो चलेगा 1 घंटा 2 घंटा. तो इसी तरीके से जब मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लिया तो उसको मैं 5 मिनट में तो एग्जिट करूंगा नहीं, वो 15 दिन 20 दिन 30 दिन चलेगा. तो मेरे को पता है कि मेरा एक सेटअप ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है. मेरे को अब वेट एंड वॉच करना है, मेरे को ओवर ट्रेड नहीं करना. उसी जगह पे मैंने अपनी कैपिटल को ऑलमोस्ट ट्रिपल करा एक महीने में कुछ काम ना करके. तो अगर आप खाली बैठे हो, आपका दिमाग तब भी चल रहा है, डू नॉट हैव दैट फीलिंग कि यार मैं फ्री हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा, डिमोटिवेटेड मत फील करो. ओवर ट्रेडिंग इस वजह से मत करो, वेट करो, वॉच करो. आज इस टाइम पे मैं सुबह 5 बजे यहाँ पे उठा हूँ, सेटअप बना रहा हूँ. हो सकता है मेरा सेटअप बने, मेरे को 2 घंटे 3 घंटे सेटअप के लिए वेट करना पड़े. आई विल डू दैट. ये मेरा स्ट्रगल है, किसी और बंदे का कोई और स्ट्रगल है. हमारा जो स्ट्रगल है वो हार्ड वर्क से नहीं है, दिन भर काम करने से नहीं है, वो मेंटली है. आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना. सो ये बच गए दोपहर के 1 एंड आगे हम जिम में सुबह 7:30 तक अप्रॉक्सीमेटली मैं उठा रहा सेटअप के लिए. बट सेटअप चाहता था वो नहीं मिला. इथेरियम पूरी रात दरी की घूमता रहा. वो एक्सपेक्टिंग की
उस एक छोटी सी रेंज में से, 30-40 डॉलर की रेंज में से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आएगा, बट नहीं आया। सो 7:30 तक मोटर आ फिर सो गया। अब उठाऊँ मैं 11:30, उठ के थोड़ा सा किया ब्रेकफास्ट एंड फिर अब आ गए हैं जिम में। मेरा बाबू, जब बाबू को एक्सरसाइज नहीं करनी होती तो ये मैट पकड़ लेता है, स्ट्रेचिंग जरूरी है, बैठ जाता है कुछ। 1 घंटे तक स्ट्रेचिंग। अबे साले, ये है हमारे जिम का व्यू। सो दुबई में जो अपार्टमेंट है मेरा, दैट इज इन मरीना, तो हमारे अपार्टमेंट से भी सेम व्यू आता है ऊपर से। अभी मैं ऊपर अपार्टमेंट में जाके अपार्टमेंट का भी छोटा सा टूर दूंगा। ये हमारे जिम का व्यू है एंड आज मैं कर रहा हूँ चेस्ट का वर्कआउट। अभी यहाँ पे इंक्लाइन बेंच लगा ली है। हमारे ऑफिस में जो जिम है तो उसमें इंक्लाइन बेंच नहीं है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें इंक्लाइन बेंच नहीं है, तो यहाँ पे रॉड से नहीं हो पाती, डंबल से हो जाती है। सो आज करेंगे इंक्लाइन का वर्कआउट। सो गाइज, ये है हमारा अपार्टमेंट। ये है ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, एक रूम किचन, ये दूसरा रूम। छोटा सा ये अपार्टमेंट है क्योंकि हम दो ही जने रहने वाले। मेन है इस अपार्टमेंट की लोकेशन। सो जो इस अपार्टमेंट का व्यू है बालकनी से, दैट इज मरीना व्यू, एंड बहुत अमेजिंग व्यू है। यहीं पर शाम को सारी यॉट पार्टीज एंड बहुत अच्छा क्राउड होता है। यहीं पर नीचे है हमारा बिल्डिंग का स्विमिंग पूल। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, शाम के टाइम पे मौसम बहुत सही हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा। पूरी रात हम यहीं बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। ये बैठा बाबू। कई लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि हम दुबई क्यों आए हैं, दुबई क्यों रह रहे हैं, या हर एक ट्रेडर दुबई क्यों शिफ्ट हो जाता है। सो जिस रीज़न की वजह से हर एक ट्रेडर दुबई शिफ्ट होता है, मैं उस रीज़न की वजह से शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। बेसिकली लास्ट 3 महीने से मैं इंडिया में बैठ के ढंग से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि काम वहाँ पर बढ़ गया, फिर काम में इतना ज़्यादा फोकस बढ़ गया कि मेरा ट्रेडिंग से फोकस हटता जा रहा था, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मेरे को जो फील आती है, जो मज़ा आता है, वो ट्रेडिंग में आता है। सो देन अप्रैल में 15 दिन यहाँ पे रहा, मैं बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर पाया। सो मैंने डिसीजन लिया कि एवरी मंथ 10 से 15 दिन मैं दुबई अकेला आके रहूँगा, सिर्फ ट्रेडिंग करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, एंड उधर ही फोकस करूँगा। इस वजह से यहाँ पे इस बारी 10 दिन रह के मैं वो और एसेट्स में ट्रेड कर पाया। मैंने गोल्ड में ट्रेडिंग शुरू करी, मैंने क्रिप्टो में बहुत तेजी से वापस ट्रेडिंग कंटिन्यू कर लिया जो बिल्कुल रुक गई थी। सो ट्रेडिंग पे फोकस करने के लिए, अकेला रहने के लिए, इस वजह से मैं दुबई यहाँ पे 15 दिन रहूँगा, शिफ्ट होया हूँ, एंड उसके बाद वापस आके वहाँ पे सारा ऑफिस का काम करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियोज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।